पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बैस महासभा के नेताओं ने किया पुतला दहन। अखिल भारतीय बैस महासम्मेलन शिवहर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम राज आनंद टीपू जी ने अगुवाई में अखिल भारतीय बैस महासभा सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक पवन जायसवाल के निर्देश पर शिवहर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का स्थानीय जीरो माइल चौक पर पुतला दहन किया। राबड़ी देवी होश में आओ, बनिया समाज पर गलत बयान करना बंद करे जैसे नारों के साथ राबड़ी देवी का पुतला दहन किया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तेल और पानी मिलाने के बयान दिए जिसको लेकर पूरे बनिया समाज आक्रोश में है। जिला अध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम राजा आनंद उप टीपू जी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बयान का घोर निंदा के साथ जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि किस तरह पिछले 35 वर्षों से बड़े मियां लालू प्रसाद यादव जी और छोटे मियां नीतीश कुमार जी के सरकार ने बिहार को बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि राजद और जदयू के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बिहार और शिवहर को विकास से वंचित कर रही है। अरे मिलावट तो आपके सरकार में है जो विकास की बात नहीं करता, सिर्फ जातीय नफरत एवं भाईचारों को बिगाड़ने की बात करता है। पिछले 35 सालों में राजद और जदयू के गठबंधन की सरकार ने बनिया समाज के साथ अन्याय ही किया है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष रामबाबू गुप्ता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बनिया समाज का अपमानित किया है। शिवहर एवं बिहार की जनता द्वारा 24 एवं 25 में सभा सिखाएगी। मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता, रामबाबू गुप्ता, नंदन गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता, सुधीर गुप्ता, अजय गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे। आज पुतला दहन क्या किया गया, इस पर क्या कहना है? कहना ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा कहा गया कि बनिया तेल में पानी मिलाता है, यह सब से लेकर पूरे बिहार के 38 जिला में आज हम लोग बनिया समाज, बैस समाज पुतला दहन और उनका विरोध किए हैं इसलिए विरोध किए हैं कि बनिया समाज, बैस समाज एक बहुत ही अपने आप एक ताकत है और उस ताकत को वो अपमानित किए हैं इस तरह का बात बोलकर। और पानी कौन मिलाता है, नहीं मिलाता है, इसकी कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है और पूरा बिहार जानता है। मेरा यही कहना है कि इस तरह की भाषा को वो 48 घंटा के अंदर में वापस ले, अन्यथा 48 घंटा के बाद हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, प्रदर्शन जारी रहेगा। उसके बाद लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में यह बनिया समाज, यह बैस समाज अपनी पूरी ताकत दिखाएगा। और मैं जिला अध्यक्ष बैस समाज शिवहर जिला का, मैं अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार टीपू जी, मैं ये वादा करता हूँ कि यहाँ से बैस समाज का, मैं अपमान का बदला पूरे जिला से मैं लूंगा और उनके आने के नेतृत्व में उन्हें काला झंडा दिखाने का भी मैं कार्य करूँगा। समाज को लेकर मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, श्री पवन कुमार जायसवाल जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं श्री पुरुषोत्तम जी, उनकी अध्यक्षता में हम लोग पुतला दहन राबड़ी देवी जी का कर रहे हैं। और मैं अभी भी संदेश देना चाहता हूँ कि जो आपके सरकार में रहते और आपके सरकार में रहते और आपके पार्टी में रहते वीर विभूति स्वर्गीय श्री ब्रज बिहारी प्रसाद जी की हत्या कर दी गई, तब आपने कुछ नहीं बोला, तब आपने भी मिटाना चाहा इस बनिया समाज को, इस बैस समाज को। और आज जब तब नहीं मिटे तो आज क्या, हम लोग तो उनके अनुयायी हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, जिनके रास्ते पर पवन जायसवाल जी चल रहे हैं, जिनके बताए पर हमारे जिलाध्यक्ष चल रहे हैं। हम लोग का यही ये है कि 24-48 घंटा के अंदर में अपने बयान को वापस ले, हड़ताल के लिए हड़ताल करेंगे। पुतला दहन क्या है, इस पर क्या कहना है? देखिए पुतला दहन इसलिए किया गया है कि माननीय श्रीमती उन्होंने अनर्गल बयानबाजी किया है, राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनको समझना होगा कि वैश्य वर्ग को का उपहास उड़ा कर वो सत्ता में काबिज नहीं हो सकते हैं। उनको के लिए इस जो उपहास उड़ाए हैं वैश्य वर्ग का, उनको 48 घंटे के अंदर अपने उनको माफी मांगना चाहिए ताकि फिर वैश्य वर्ग जो का भावना जो आहत हुआ है उससे उनको बचे, नहीं तो आने वाले जो लोग बयान क्या था वो उन्होंने कहा कि वैसे बढ़िया जो वर्ग है वो तेल में पानी मिलाकर बेचता है, तो यह पूरे वैसे वर्ग का उपहास उड़ाया गया है जो कहीं से उचित नहीं है। उनको इसका खामियाजा अगले लोकसभा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। बेहतर है कि वह 48 घंटे के अंदर
माफी मांग ले वैसे वर्ग से, तभी उससे बच सकते हैं। अनर्गल बयानबाजी करके वो राजनीतिक सत्ता में काबिल नहीं हो सकते हैं। जो वैश्य का अपमान किया गया वो काफी निंदनीय अपमान है। उनको इस तरह के गलत बयानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि वैश्य के बदौलत ही वो मुख्यमंत्री बनी थी, और उसी वैश्य का अपमान करना ये कहाँ तक सही है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार या हो या पूरे हिंदुस्तान हो, वैश्य की आबादी सबसे अधिक वैश्य की आबादी है, वैश्य बनिया की आबादी है, और उनको गलत बयानी करना अच्छा ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो तो खुद पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़ी लिखी होती तभी तो कुछ होता, वो तो खुद पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, और ऐसे गंवार को एक गरिमामय पोस्ट दे दिया गया तो उनको अभिमान तो होगा ही, लेकिन सारा अभिमान उनका चूर चूर होने वाला है आने वाले समय में। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में वैश्य बनिया उनको अच्छा सबक सिखाएगी। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा 48 घंटों के अंदर, तो ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में ही जारी रहेगा।